अच्छा जी, ये है कश्ती की लॉन्च की जो है, ये है नंबर प्लेट 2437-5-B। तो ये है नंबर प्लेट, 4-5 दिन में ये पानी में उतर जाएगी इंशाल्लाह। ये तैयार हो चुकी है और नीचे से जो इसका व्यू है वो कुछ ऐसा है जी। तो ये जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, बकायदा इनका भी नंबर लगता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है इनका। 4-5 दिन में पानी में उतर जाएगी, ये देखा। खैरियत से आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैर आप अच्छा होंगे। जो आज का व्लॉग है वो है भाई इब्राहिम हैदरी का। तो आज मैं आया हूँ इब्राहिम हैदरी में, और इब्राहिम हैदरी में इस जगह आया हूँ जहाँ कश्तियाँ तैयार होती हैं, लांचें बड़ी बड़ी तैयार होती हैं, यानी पानी के जहाज़ कह लें आप, या लांचें कह लें या कश्तियाँ कह लें, एक ही बात है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से लांचें इधर तैयार हो रही हैं, सामने इधर मजदूर लगे हुए हैं, तो इनसे करते हैं बात। तो आपको भी थोड़ा सा व्यू कराता हूँ कराची कुरंगी इब्राहिम हैदरी का। अच्छा जी, तो इधर तैयार हो रही है लांच। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? अच्छा, तो ये किस तरह लांच तैयार होती है भाई, ये क्या है, ये कितना खर्चा आता है, कितने की लकड़ी आती है इसकी कुछ खर्चा? हाँ, तकरीबन 1.5-2 करोड़ आ जाता है। 1.5-2 करोड़ आ जाता है? अच्छा, तकरीबन साल लग जाता है। एक साल लग जाता है बनाने में? बिल्कुल। वाह, और छोटी लांच जो होती है, छोटे वाली कश्ती? छोटे वाली कश्ती जो है उसमें 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं। उस पर कितना खर्चा आता है? उस पर 18-19 लाख। अच्छा, और ये जो सामने जैसे खड़ी हुई ब्लू वाली है, ये इसी की बात? अच्छा, ये 18-20 लाख में तैयार हो जाती है ये वाली? सही, ये वाली जो है भाई सामने ब्लू वाली खड़ी हुई 18-20 लाख में तैयार हो जाती है। कंप्लीट खर्चा नहीं, मजदूरी समेत, लकड़ी समेत? सही, इंजन और जाला अलग लेना पड़ेगा, बकाया 18 लाख में तैयार हो जाएगी। तो अंदर से इसका बड़ी कश्ती का व्यू देखते हैं। ये वाली जो है ये 2 करोड़ में तैयार होती है तकरीबन। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इधर तो लग रहा है डर खड़े होते हुए। अच्छा जी, इधर ये काफ़ी सारी जैसे खड़ी हुई है तैयार हो चुकी है, बल्कि ये मेरे ख्याल मुरम्मत के लिए आई थी। मुरम्मत भी आजकल बता रहे बड़ी महंगी पड़ती है, जैसे बड़ा जहाज़ है, लॉन्च है, तो इसकी मुरम्मत के आजकल 20-25 लाख रुपए लग जाते हैं, जो फाइबर से ये तैयार करके देते हैं। और ये इधर बड़ा पानी का बड़ी शिप है, ये बड़ा जहाज़ है, लॉन्च कह लो जहाज़ कह लो। तो इधर ये लकड़ी तैयार हो रही है इनकी, और ये जो है इसके देखते हैं ज़रा ऊपर चल के। वाह, ज़बरदस्त किस्म का जहाज़ तैयार हो रहा है ये। और इधर ये इनकी छतें वगैरह जो हैं, ये भी दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे इनके ऊपर जो छत लगी हुई होती है, वो जो सामने छत है, वो नीचे जो तैयार हो रही है वो ऐसी है कुछ। ये अंदर सारा वायरिंग वगैरह का सिस्टम है, इस पर सारा वायरिंग वगैरह के तार छोड़े में तैयार करके, ये छत है ऊपर जो टॉप पे जो जाके लगती है, अंदर इसके सामान वगैरह रखने के दराज वगैरह बने हुए हैं ये लेटने के लिए। वो ऊपर जो कमरा है, रूम जो है समझो, वो वाला, वो ये इस तरह तैयार होता है कुछ। ये इस रूम का स्ट्रक्चर है जो तैयार करता है, स्ट्रक्चर जो तैयार होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, फिर इस शेप में आ जाता है। फाइनल होने के बाद जो है ये उस शेप में आ जाता है। तो यार वह इन्फॉर्मेशन ले रहा, क्या रिपोर्ट है इनकी, किस तरह क्या कितना सा निकाल देते तैयार होने के बाद? ये 30-40 साल तक जो है इस तरह से ये चलती रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसको मतलब जरूरत पड़ेगी, अल्लाह ना करे अगर हादसा हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो है वैसे जो है 30-40 साल जो है कोई मतलब काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मुरम्मत जो होगी 30-40 साल के बाद होगी इसकी?
मरम्मत के लिए आएगी वो तो होती रहती है, मतलब जैसे 40 साल भूल जाए लकड़ी खराब नहीं होगी। नहीं वैसे इसका बनाने का कितना खर्चा आएगा तकरीबन आईडिया? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ इंजन वंजन हर चीज लगा के। इसका साइज कितना है चाचा? साइज का पता नहीं। 40 फीट की है ये लॉन्च जो है, 40 फीट की है। 1.5 करोड़ रुपए इसका खर्चा आता है मुकम्मल। ये इसका पर वगैरह फिट हो चुका है। इसको क्या बोलते हैं, क्या ये प्रोपेलर? और कुछ ये इस तरह है ऊपर से। ये देखो ये टॉयलेट वाशरूम बना हुआ है, ये टॉयलेट है। नक्शा छोड़ दिया है मेरे ख्याल, WC वगैरह शायद बाद में लगे, क्या अपना ना भी लगाते हों कोई पता नहीं है। अभी इधर पानी आहिस्ता आहिस्ता शाम तक, ये शाम में जब समंदर चढ़ना शुरू होगा तो पानी। अभी मैं आ चुका हूँ लॉन्च के ऊपर, तो इसका जो इंजन है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे इधर जो है ये इंजन लगा हुआ है, और इससे ऊपर जो रूम है वो ऊपर भी चलेंगे, और जो स्टोरेज करते हैं मछली वगैरह वो करते हैं मेरे ख्याल इधर से ही है। ये इनका इंजन रूम है बल्कि ये, तो जो मैंने नीचे रूम दिखाया था वो रूम ये है, जो ऊपर फाइनल तैयार होने के बाद जो है इधर ऐसे आके इधर इस जगह फिट हो जाता है। और देखो जी ये है इसका रूम, यानी कि ड्राइवर जो होता है वो इधर बैठ के इसको ड्राइव करता है। ये इसका स्टेयरिंग है, ये स्टेयरिंग आ गया, ये यानी कि ड्राइवर का रूम है, ये जो इसको चलाने वाला होगा वो इधर बैठेगा। और ये है ऐसे, ये सीढ़ी उतर के नीचे जाएंगे, इसके स्टोरेज जो मछली वगैरह जो पकड़ते हैं वो इधर आके मेरा स्टोर करते हैं इस जगह पे। और ये है पूरा जहाज़ का ऊपर से व्यू, ये देखेंगे ये ऊपर भी चलते हैं, ऊपर चल को भी आपको व्यू दिखाता हूँ ज़रा मैं तफसीलन। ये वाशरूम है जो मैंने नीचे से दिखाया था, यहाँ ये वाशरूम वगैरह जो इस्तेमाल होता है इनका। और ये सबसे ऊपर से टॉप ये है इसका, ये ड्राइवर का रूम जो पहले भी दिखा चुका हूँ मैं। और ये जो है ये इंजन, इंजन रूम है इधर, ये इसका इंजन लगा हुआ है। और एक इंजन ये इधर भी लगा हुआ इंजन है क्या? हाँ ये भी इंजन है। ये जैकेटें हैं जो माहिर जाते हैं पहनते हैं इनको। और ये जो है कुछ जहाज़ का फ्रंट है इस तरह से, और इससे ऊपर चलते हैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के टॉप पे, बिल्कुल जाकर देखते हैं टॉप पे कैसा है मंज़र। टॉप पे है जी ये छत, ये लाइट लगी हुई है इशारों के लिए मेरे ख्याल होती होगी शायद। और अभी चलते हैं वापस नीचे। ये समंदर यानी कि लॉन्च के ऊपर से जो व्यू आता है वो कुछ ऐसा आता है। ये लो जी ये यानी कि असल जो यानी कि सारा अमला जो होता है वो इधर होता है चारों तरफ, जाल वगैरह ऊपर भी बैठ जाते होंगे जाके। तो इसका जो लागत है इस कश्ती, इस जो लॉन्च की लागत है वो है 1.5 करोड़ रुपए, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए में ये तैयार होगी। जैसे वो है वो भी तैयार हो रही है, वो भी तैयार होने के बाद कुछ ऐसे ही नज़र आएगी जैसे ये है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।